हेलो फ्रेंड, मेरे नो और आप सब कैसे हैं फ्रेंड। ये देखिए हमारा कितना प्यारा ही बिस्किस खिल रहा है और काफ़ी दिन से खिल रहा है। जैसे मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड आपको, ये देखिए इसमें और भी बर्ड्स हैं। यहाँ पे कितनी बर्ड्स हैं और ये है, बहुत अच्छा प्लांट है फ्रेंड और बहुत अच्छे से मुझे फ्लावरिंग दे रहा है। ये देखिए फ्रेंड हमारा एक सूरा कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए एक सूरा खूबसूरत बहुत लगता है और बंचेस में खिलता है फ्रेंड, तो बहुत अच्छा लुक आता है, खासकर रेड कलर का हिबिस्कस। ये देखिए ये कौन बैठे हैं, ये सारी पत्तियां खा जाएंगे अभी। और ये बहुत ढीठ होते हैं, हटने का भी नाम नहीं लेते, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे ये कूदते रहेंगे। और देखिए हमने एक सूरा कितनी अच्छी से मेरे ग्रोथ हो रही है फ्रेंड। और ये देखिए हमारा कॉस्काम का प्लांट है, ये इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं आई है फ्रेंड। देखिए ये देखिए शायद बर्ड्स आ रही है क्या, हाँ ये देखिए इसमें बर्ड्स आ गई है। ये भी बड़ा प्यारा लगता है, जब ये खिलता है तो बड़ा प्यारा लगता है फ्रेंड। देखिए इसमें बर्ड्स आ गई है। और फ्रेंड ये देखिए हमारा वर्बीना, मैंने कटिंग लगाई थी और देखिए कितनी अच्छे से ये कटिंग चल रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छे से, देखिए कितनी अच्छे से ये कटिंग है फ्रेंड हमारी। और ये गुलदाउदी की मैंने कटिंग लगाई थी, देख सकते हैं आप, इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। और ये देखिए तो ऐसा लग रहा है जैसे फूलों की पूरी चादर लगी हो फ्रेंड। मैं दो दिन बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कल 10 मुहर्रम था और 9 मुहर्रम को मैंने वीडियो नहीं डाली थी फ्रेंड। ये देखिए और ये देखिए बहुत अच्छे से ये ब्लूम दे रहा है मुझे। और ये देखिए देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, एक एक फ्लावर इसका, इससे लग रहा है कि कहाँ तक ये वाइट कलर का है देसी। और इसे मैंने टर्टल वाइन लगा दी थी, देखिए सारे गमलों में हो गई, मुझे निकालना पड़ेगा कुछ। और ये देखिए इसने कल मुझे कम से कम 10 फ्लावर दिए थे, कल ये 10 फ्लावर किए थे फ्रेंड। देखिए सब पड़े हुए हैं। ये देखिए फ्रेंड हमारा बेला कितने अच्छे से खिल रहा है, देखिए एक दो उधर देखिए, और बाकी तो मैंने उधर लटका के रखा हुआ है, देख रहे हैं बहुत अच्छा, कितनी प्यारी स्मेल है इसकी। मैं बेला को तोड़ लेती हूँ फ्रेंड यहाँ से, तो इसकी प्रूनिंग भी हो जाती है और अच्छे से और खिलता भी है, क्योंकि उस जगह से तो वो फिर खिलेगा नहीं। ये देखिए हमारी टिकोमा की बेल नीचे जा रही है। ये देखिए हमारा पर्पल हार्ट, और ये देखिए ये हमारा गुले अब्बास का प्लांट भी बहुत अच्छा हो गया है देखिए। और मैं थोड़ा देर से आई तो देखिए, ये देखिए हमारे दूसरा एडिनियम में भी बर्ड्स आ गई है। और ये देखिए हमारा विन का कितने अच्छे से खिल रहा है, ये कलर भी बहुत प्यारा है ना फ्रेंड। और ये देखिए इसमें बर्ड्स, ये देखिए फ्रेंड ये हमारा दूसरा ही हिबिस्कस है, और देखिए इसमें भी खूब बर्ड्स हैं। और ये देखिए इसका फ्लावर ये खिला हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है, देख रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए ग्लैडिया, वो देखिए खिलने वाला है हमारा हिबिस्किस ऑरेंज कलर का। और ये हमारा आलमेंडा, ये देखिए कनेर भी खिलने लगा है खूब अच्छे से। ये जेट्रूबा, इसकी सीड बनी थी फ्रेंड, पता नहीं मैं देख नहीं पाई और कहाँ गिर गई इसकी सीड, में देख ही नहीं पाई थी। और ये देखिए चांदनी भी अच्छे से खिल रहा है, काफ़ी दिन बाद मैं देख रही हूँ। ये मेरा एक सेकेंड पिटूनिया, ये देखिए ये देसी विन का है हमारा, इतना खूबसूरत लग रहा है देखिए। ये देखिए उधर मैक्सिकन पिटूनिया, वो डायंथस। ये हमारा देसी हिबिस्किस भी अच्छे से खिल रहा है, कल शायद फ्लावर खिले थे फ्रेंड मुरझा के। और ये देखिए उधर भी येलो कलर, उधर भी देखिए पिंक कलर का, वो देखिए बटरफ्लाई उड़ गई साइड से आके। और देख रहे हैं आप अच्छे से खिल रहा है चांदनी। और ये, और ये देखिए हमारा 4 o'clock, उसमें भी खूब अच्छे से बर्स आ गई उधर देखिए, तो ठीक ही ठाक चल रहे हैं प्लांट फ्रेंड। ये देखिए हमने कटिंग लगाई थी जिसकी सदाबहार की, वो भी अच्छे से खिल रहा है, वो हमारा गुलदाउदी, इसमें से मैंने कटिंग ले ली थी तब भी देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ पे है। ये हमारा मुसेंडा भी अच्छे से खिल रहा है। और ये देखिए हमारा पिंक कलर का है ये, और ये हमारा एलमंडा। तो चलते हैं फ्रेंड, फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना अपने
प्लांट्स का ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड।